जी एस हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिले एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं, हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए इकराम, हुफाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मकदम है। हमारे खुसूसी शो में प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, मेरी रियासत मणिपुर जल रही है, प्लीज़ मदद कीजिए। ये गुहार है हिंदुस्तान की मशहूर बॉक्सर मेरी कॉम का, जिन्होंने 4 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, PMO, वज़ीर दाखला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को टैग करते हुए ट्वीट किया। उसी के साथ उन्होंने 2-3 तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें जलते हुए मकान और दुकान नज़र आ रहे हैं। ये ट्वीट और तस्वीरें मणिपुर की सूरत हाल की संगीनी को बयान करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरी कॉम ने जिनसे मदद की गुहार लगाई वो कर्नाटक की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से 54 से ज़ायद लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ गईं, 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए और कई हज़ार लोगों को खौफ की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ गया, और जो माली नुकसान हुआ या हो रहा है उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। नाज़रीन, ये वही मणिपुर हैं जहां गुज़िश्ता साल फरवरी में इंतखाबात के दौरान प्रधान सेवक साहब ने BJP को वोट देने के बदले मणिपुर के लोगों को 25 साल तक के अमन अमान की ज़मानत दी थी। उन्होंने कहा था कि यहां की डबल इंजन की सरकार ने रियासत में जो अमन अमान की फ़िज़ा कायम की है उसे बरकरार रखने के लिए BJP को एक बार फिर कामयाब करें। वहाँ के लोगों ने 60 सीटों की असम्बली में BJP को वाज़ अक्सरियत दी। 2017 में BJP के पास 21 सीटें थीं, लेकिन 4-4 सीटों वाली NPP और NPF को साथ लेकर उसने हुकूमत बना ली थी, जबकि उस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उनके पास कुल 28 सीटें थीं। मणिपुर में तशद्दुद की शुरुआत 28 अप्रैल से होती है, लेकिन उसकी चिंगारी कई माह पहले ही सुलग गई थी। यहाँ की ब्रेंड सिंह हुकूमत ने पहाड़ी हिस्से में रहने वाले कबाइलियों के ख़िलाफ़ ये कहकर कार्रवाई शुरू कर दी थी कि वो लोग जंगलात की ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करके उस पर अफीम की खेतियाँ करते हैं। हुकूमत की ये कार्रवाई मणिपुर फॉरेस्ट एक्ट 2021 के तहत थी। कबाइलियों का कहना है कि ये उनकी अपनी आबाई ज़मीन है, उन्होंने कोई कब्ज़ा नहीं किया है बल्कि बरसों से वहाँ रह रहे हैं। कबाइलियों ने हुकूमत की इस मुहिम को उनकी आबाई ज़मीन से बेदखल करना करार दिया और उनके अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा फैल गया। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया और हुकूमत ने चोर चांदपुर ज़िले में जहां ये मुजाहरा हो रहा था दफ़ा 144 नाफिस कर दी। उसी दौरान हुकूमत के एक और नाक़बत अंदेशाना कदम ने इन कबाइलियों की नाराज़गी पर पेट्रोल डालने का काम किया। हुमायूं के UPA की मनमोहन सिंह हुकूमत ने कबाइलियों की दो मुसल्लह तंजीमों जेमी रिवोल्यूशन आर्मी और कोकी नेशनल आर्मी के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई को रोकने का जो समझौता किया था उसे रद्द कर दिया गया। दरअसल कोकी बिरादरी की कई तंजीमें 2005 तक के मुसल्लह बगावत में शामिल रहीं और 2008 में मरकज़ की मनमोहन सिंह हुकूमत ने इन तमाम तंजीमों के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई को रोकने के लिए सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन समझौता किया। इसका मकसद हुकूमत और उन बागी तंजीमों के दरमियान बातचीत को बढ़ावा देना था। फिर वक्तन फ़ौक्तन इस समझौते की मुद्दत को बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर की BJP हुकूमत इस समझौते से पीछे हट गई और फौजी कार्रवाई को मंजूरी दे दी। गैर कानूनी कब्जाजात के हटाने के नाम पर हुकूमत की कार्रवाई और सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन समझौता ख़त्म करने से अभी ये कबाइली गुस्से में ही थे कि हाईकोर्ट का मैदानी इलाकों में रहने वाले मैती बिरादरी को कबाइली दर्जा देने का हुक्म आ गया। ये फैसला आने के बाद पहाड़ी इलाकों में खसूसी कानून के तहत रहने वाले कबाइलियों का गुस्सा और भड़क उठा और एंडजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 28 अप्रैल को चोरा चंद्रपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से वज़ीर आला ब्रेन सिंह को अपने पहले से तय शुदा प्रोग्रामों को मनसूख करना पड़ गया।
पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान पूरी रात झड़पें होती रहीं और मुजाहरीन ने तो तोई बोंग इलाके में फॉरेस्ट बेंच ऑफिस को आग भी लगा दी। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई बिरादरी को एसटी का दर्जा देने के ख़िलाफ़ था। इससे हालात मजीद बिगड़ गए और जात पात की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ मैतेई बिरादरी के लोग और दूसरी तरफ कोकी और नागा बिरादरी के लोग इस तशद्दुद में अब तक के सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 54 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाजरीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब 28 अप्रैल को शुरू होने वाली तशद्दुद की चिंगारी हुकूमत की नाअहली के सबब बहुत पहले से सुलगने लगी थी तो बीजेपी की सिंगल इंजन सरकार ने कोई इकदाम क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब बदकिस्मती से इस सियासत से आलूदा है जिसके लिए प्रधान सेवक साहब कर्नाटक में 26-26 किलोमीटर का रोड शो फरमा रहे हैं और बजरंग बली की दहाई देते घूम रहे हैं। मैतेई बिरादरी के ज़्यादातर लोग बीजेपी के वोटर्स हैं और इसी वोट बैंक की पॉलिसी के तहत रियासती बीजेपी की हुकूमत तसाहुली बरतती रही। कहाँ तो प्रधान सेवक मणिपुर के लोगों को बीजेपी हुकूमत आने की सूरत में 25 साल के अमन अमान की जमानत दे रहे थे, कहाँ सिर्फ एक साल में ही रियासत तारीख के सबसे खौफनाक फसाद से जल उठा। खैर, अब हालात किसी तौर पर काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार हैं कि जब ये चिंगारी पहले से ही सुलग रही थी तो फिर बर वक्त उसे बुझाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई? कहा जाता है कि जब रोम जड़ रहा था तो शहंशाह नेरा व बासुरी बजा रहा था। इस कहावत में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि अगर उस वक्त भी इख्तदार के लिए इंतखाबात का चलन होता तो नेहरू यकीनन बांसुरी बजाने के बजाय इंतखाबी मुहिम चला रहा होता। दिल्ली में प्रधान सेवक की नाक के नीचे पहलवान रेसलर बेटियां उनके ही एक वज़ीर पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद करते हुए धरना दिए बैठी हैं। उनकी डबल इंजन की हुकूमत वाली रियासत मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधान सेवक कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम में फूलों की बारिश करवाने में मसरूफ़ है। इससे प्रधान सेवक की तरजीहात का अंदाज़ा होता है। उनकी पहली तरजीह इंतखाबात यानी कि इलेक्शन जीतना होता है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे मजहबी मुनाफरत फैलाना पड़े, चाहे बजरंग बली की दहाई देनी पड़े, चाहे थर्ड क्लास की फिल्म केरला स्टोरी का प्रचार करना पड़े या फिर मणिपुर में आग लगी रहे। शायद ऐसे मौके के लिए अब्बास ताबिश ने यह शेर कहा था, डूबती है नाव सब चीख रहे हैं ताबिश और मुझे फिक्र गज़ल अपनी मुकम्मल हो जाए। खैर नाजरीन, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।